ज़ॉम्बीज़ को तो आपने मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा, जो किसी भी इंसान पर हमलावर होकर इंसान को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ज़ॉम्बीज़ सिर्फ मूवीज़ में नहीं बल्कि एक्चुअल लाइफ में भी मौजूद हैं? ये हमारी ज़मीन पर कहां पर मौजूद हैं और इंसानियत के लिए कितना ख़तरनाक हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़मीन के अंदर आखिर कितना ज़्यादा सोना मौजूद हो सकता है और हम इंसान उसमें से कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनको सुनकर आप भी कहेंगे ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। फैक्ट नंबर वन, क्या आप जानते हैं कि फिलीपींस दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो मुकम्मल तौर पर आइलैंड बेस्ड है, यानी वहां पर आइलैंड ही आइलैंड मौजूद है और वहां पर कोई 10-12 नहीं बल्कि पूरे 7,641 आइलैंड मौजूद हैं, जो इसको दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क बना देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फिलीपींस के अंदर हज़ारों की तादाद में सैंड बार्स भी मौजूद हैं। जब समंदर की लहरें थोड़ी नीची होती हैं तो वो नमूदार हो जाते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा एपिक दिखते हैं। फैक्ट नंबर टू, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे सफ़र करने के लिए आपको ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर जाना पड़ेगा, जो कि रशिया में मौजूद है, जो कोई 1,000-2,000 नहीं बल्कि पूरे 9,259 किलोमीटर लंबा है। और इस सफ़र के दौरान आपको 7 दिन लग जाएंगे और आपको 8 डिफरेंट टाइम जोन से भी गुजरना पड़ेगा। और इस सफ़र के दौरान आपको तकरीबन 3,900 से भी ज़्यादा ब्रिजेस को क्रॉस करना पड़ेगा, जो काफ़ी ज़्यादा इस सफ़र को एपिक बना देते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़मीन पर कितना ज़्यादा सोना मौजूद होगा? तो साइंसदानों की एक रिसर्च के मुताबिक हमारी ज़मीन की कोर के अंदर इतना ज़्यादा गोल्ड मौजूद है कि अगर हम उसको अपनी ज़मीन के ऊपर वाली सतह पर ले आएं तो उसे हमारी पूरी की पूरी ज़मीन 1.5 फीट तक बआसानी दब जाएगी। फैक्ट नंबर फोर, स्कूल में तो हमें यही बताया जाता है कि हमारी ज़मीन पर तकरीबन 71% पानी मौजूद है, जो सच भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस 71% पानी में से सिर्फ 0.007% पानी ऐसा है जिसको हम इंसान इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी ज़मीन पर जितना भी पानी मौजूद है उसमें से सिर्फ 2.5% पानी ऐसा है जो पीने के लायक है, जिसको इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस 2.5% पानी में से भी सिर्फ 1% पानी ऐसा है जिस तक हम इंसान पहुँच सकते हैं, बाकी सारे का सारा पानी इंसान की पहुंच से दूर है। फैक्ट नंबर फाइव, आर्सेनिक जिसको आज जहर तसव्वुर किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 19वीं सदी से पहले इसी आर्सेनिक को लोग खाया करते थे और अपने जिस्म पर इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, इसको एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता था और बहुत से लोगों के मुताबिक आर्सेनिक को खाने से आपके जिस्म के ऊपर झुरियाँ, दाग धब्बे या फिर जो भी निशानात पैदा हो चुके थे वो इससे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद लेटेस्ट रिसर्च आई जिसने बताया कि भाई ये तो जहर है, और फिर इसका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया। लेकिन इससे पहले इसी जहर को लोग ठूंस कर खाया करते थे। फैक्ट नंबर सिक्स, ज़ॉम्बीज़ के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़ॉम्बीज़ रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं? जी हाँ, ओफियोकार्डियोसेप्स नामी ये फंगस चींटियों के जिस्म पर हमलावर होकर सिर्फ 9 दिनों के अंदर चींटी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर मुकम्मल तौर पर काबिज़ हो जाती है और फिर उसको ये हुक्म देना शुरू कर देती है। और फिर ये चींटी को हुक्म देती है कि वो किसी दरख्त के ऊपर चढ़ जाए, और फिर जब वो दरख्त के ऊपर चढ़ती है तो उसको हुक्म देती है कि वो किसी मॉइस्ट यानी नमी वाली जगह पर छलांग लगा दे, जहाँ पर ये फंगस मुकम्मल तौर पर सर्वाइव कर सके। और फिर ये उसी को उसी तरह से छलांग लगवा कर मॉइस्ट पेस्ट और मुकम्मल तौर पर सर्वाइव करती है, और फिर किसी दूसरे शिकार की तलाश में निकल जाती है ताकि वो उसको मुकम्मल तौर पर खा सके। और ये बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये ओफियोकार्डियोसेप्स इंसानों पर भी हमलावर हो सकती है? तो अब तक के साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक ये फंगस अभी तक इंसानों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में ये ज़्यादा ख़तरनाक भी और ज़्यादा ताकतवर भी हो सकती है, जो इंसानों पर बआसानी अटैक कर सकती है। फैक्ट नंबर सेवन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला ऑरेंज ऑरेंज कलर का नहीं था? जी हाँ, ये साउथ एशिया में पाए जाते थे जिनका कलर ग्रीन कलर का था, जिसके बाद साइंसदानों ने इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया और इसका कलर ग्रीन से ऑरेंज कर दिया, और आज जो हम ऑरेंज इस्तेमाल करते हैं वो मुकम्मल तौर पर हमें ऑरेंज कलर के ही दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।